हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी फॉर डिफेंस। यहाँ आपकी एग्ज़ाम तैयारी को मिलेगी सही मार्क। अगर आप भी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर आर्मी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें मतलब जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो मेरे वीडियो से ज़रूर जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क, मतलब जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। ये मतलब डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, आप चाहे नेवी AASSR हो या फिर एयरफोर्स वाई हो या फिर MR हो या फिर कोस्ट गार्ड हो, इन सब एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगे भी पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। इंडियन डिफेंस फोर्स यानी भारतीय रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो भारतीय रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनस। वेनस जो है वो सौरमंडल का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे लार्ज प्लैनेट, मतलब लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुपिटर। जुपिटर जो है वो सौरमंडल का सबसे लार्ज प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द राइटर ऑफ इंडियन नेशनल सॉन्ग। इंडियन नेशनल सॉन्ग, भारतीय राष्ट्रीय गीत का लेखक कौन थे? तो आपको पहले बता दूँ, भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया है और इसका जो राइटर है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है। बंकिम चंद्र चटर्जी है भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। इंडियन नेशनल एंथम मतलब जो नेशनल एंथम है उसका जो राइटर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत का लेखक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा वो हो जाएगा लोटस। लोटस भारतीय का राष्ट्रीय फूल है। अगला क्वेश्चन है, साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड में ध्वनि का गति सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो WWW का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के वजह से आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेप्स। स्टेप्स जो है वो कान में पाया जाता है और ये मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है। अगर इस हड्डी की बात करें तो मतलब जो हमारा नाखून है, नाखून से भी छोटा होता है ये हड्डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो ये है फ्यूमर। फ्यूमर यानी थाई बोन। थाई बोन मतलब जांघ की जो हड्डी है वो मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिचुएटेड, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के स्टेट में देहरादून में ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ DRDO, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत का पहले उपराष्ट्रपति थे। ये भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट भी थे, मतलब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकेंड प्रेसिडेंट दोनों सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आदर्श क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात की जाए तो यह है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से आप जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स या फिर नेवी या फिर आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मुझे मैसेज कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम आईडी में जाके। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं आगे भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, और बिल्कुल भी प्रॉपर वैसे मैं आपको वीडियो सप्लाई करता रहूँगा। आप मेरे चैनल से बस जुड़े रहिए, और देखिए फिर आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे आगे बढ़ता जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल D4 डिफेंस। यहाँ आपके एग्ज़ाम तैयारी को मिलेगी सही मार्क। अगर आप भी